Whenever I travel for food, and especially when I am in a particular state, वहाँ उस स्टेट का ऑथेंटिक लोकल ट्रेडिशनल फूड खाना और उनको एक्सपीरियंस करना, ये मुझे हमेशा एक्साइट करता है क्योंकि उससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. सो व्हेन इन झारखंड देर आर फ्यू ट्रेडिशनल फूड विच इज़ अ मस्ट ट्राई फॉर ऑल. इस लिस्ट में कुछ आइटम्स ऐसे हैं विच आई हैव ऑलरेडी एट इन माई प्रीवियस वीडियोज. सो वो आइटम्स है ढुसका, लिट्टी चोखा, महुआ, हाड़िया, मालपुआ. ना कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, जैसे कि रुगड़ा, ठेकुआ, तिल बर्फी, मीठा खाजा. डेफिनेटली दिस आर सीजनल बट आई एम ओके बिकॉज नाउ आई हैव सम रियली डिलीशियस रीजंस टू ट्रैवल झारखंड सून अगेन. आज की इस लास्ट एपिसोड में आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस द रेस्ट ऑफ द फूड. गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ सिनफुल ईटिंग. सो बेसिकली दिस इज़ लास्ट डे ऑफ मी इन झारखंड. सो हम लोग कल रात को फ्रॉम बोकारो वी हैव रिटर्न बैक टू रांची बैक अगेन बिकॉज देवघर हम लोग जा नहीं रहे बिकॉज देवघर में अभी मंदिर सारे बंद है. तो वी विल गो आफ्टर सम डेज, सिर्फ देवघर का ट्रिप करके हम लोग आ जाएंगे एंड आई कवर ऑल दिस प्लेसेस. सो अभी हम रांची में देर आर फ्यू प्लेसेज विच हैव जॉट डाउन लाइक ट्रेडिशनल झारखंडी फूड. दिस एपिसोड बहुत डिफरेंट खाना मैं खाने वाली हूँ, बट उससे पहले आई नीड टू बाय क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ, अ टी शर्ट एटलीस्ट, क्योंकि मम्मी बिकॉज मैंने अपना पैकिंग नहीं किया था, ये मेरे को लास्ट मोमेंट पर डिच कर दी थी. है गर्ल, तो मम्मी को जो समझ में पैक कर दी, आई फॉरगॉट टू पैक सम गुड क्लोथ्स फॉर मी. सो आई एम गोना फर्स्ट चेंज माई टी शर्ट, उसके बाद विल हेड. सो जब तक मैं अपने लिए टी शर्ट ले रही हूँ, इन द मीन वाइल मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ड्रॉप इन देयर सारा लाइक्स एंड ड्रॉप इन डिलीशियस कॉमेंट्स. तो चलो पहले टी शर्ट खरीद लेते हैं. Got two t-shirts from Big Bazaar. हम लोग कार वॉश कराना था एंड एवरीथिंग, दो टी शर्ट ले लिया. यहाँ कुछ ट्रायल व्रायल हो नहीं सकता तो मैं अभी गाड़ी में ही चेंज कर लूँगी. अभी सोचो व्हाइट वाला पहन लूँ. और इसके साथ हमें 700 ग्राम चीनी फ्री में मिला जो मैं कोलकाता लेके जाऊँगी मेरी मम्मी के लिए. सो जल्दी से फटाफट ट्राई कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ. सो गैराज में हैव चेंज द टी शर्ट. आई डोंट नो हाउ दिस टी शर्ट इज लुकिंग. बाद में तो बिट्टू को ही पहनना है ये टी शर्ट, वो तो खुश हो रहा है. मैंने और एक येलो कलर का लिया बट दे डिडंट अलाउ मी टू वेयर येलो कलर, बट ठीक है, आई थिंक दिस इज कम्फर्टेबल. सो अभी यहाँ से निकलते खाना स्टार्ट करते, बहुत तेज भूख लगा है. ये यू टर्न इज द फेमस यू टर्न, फेमस यू टर्न, वरुण और बिट्टू का फेवरेट यू टर्न. ये यू टर्न रांची का ये लोग हमेशा याद रखते हैं, भी बोलेंगे यू टर्न वाला जगह पे आ जाओ, हम लोग यहाँ मिल लेंगे. ये फेवरेट यू टर्न स्पॉट है, यही कहीं होगा बिट्टू. हाँ कितने का है? एक 15 रुपीस आएगा. हाँ एक ही खिलाइए, एक ही खाना है. सो यहाँ पर मैं ये एक तिल, क्या बोलते हैं इसको, ये अनरसा, खोआ का अनरसा, अनरसा खोआ का अनरसा ऊपर तिल दिया हुआ, ये खा के देखते कुछ. बहुत चम, अंदर सॉफ्ट मीठा, द टेक्सचर इज़ वेरी गुड. आपको कैसे दिखाऊँ, सी द टेक्सचर, इट्स लाइक यू नो मिठाई के जैसा टेक्सचर है, अंदर खोआ का बनाया है उन्होंने का जैसे कहा है, एंड ऊपर इट्स क्रिस्पी, इसको फ्राई किया हुआ है एंड फिर तिल लगाया हुआ है. तिल का टेस्ट बहुत अच्छा है. वरुण नारियल का लड्डू खा रहा है, ये कुछ डिफरेंट दिखा तो खा लिया. दिस इज ओनली फॉर 15 रुपीज. So now I have come to this place, Bombay Chicken Paratha. Now the speciality of this place is their chicken, जो ये तावा chicken curry बन रहा है and इनका ये paratha, which looks very tempting. ये ग्रेवी काफ़ी अच्छी लग रही है, थिक मसालेदार, चटपटी, स्पाइसी भी लग रही है. ऊपर से जो धनिया पत्ता वो भी बड़ा मज़ा आ रहा है, उसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है. लुक एट दिस मसाला. अच्छा इधर यू विल गेट बिरयानी आल्सो, पर मैं सिर्फ ये खाऊंगी अभी. सो ये आ गया मेरे पास रांची का वेरी फेमस बॉम्बे चिकन पराठा. ये दिस इज मालाबार पराठा, वी हैव सैलड विद थोड़ा सा चाट मसाला एंड द चिकन. वाओ दिस लुक्स वेरी 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 टेम्पटिंग. आई वॉन्टेड अ लेग पीस, लेग पीस दीजिए ना. आ गया आ गया. तो ये मैंने इनसे पीस चेंज करवाया, थैंक यू सो मच. उन्होंने ऊपर से बहुत अच्छे से धनिया पत्ता भी डाल दिया है. बेसिकली दिस इज हाफ प्लेट जिसमें आपको एक पीस चिकन मिलेगा एंड दो मालाबार पराठा एंड सैलेड. दिस इज फॉर 70 रुपीज एंड अगर आप फुल प्लेट लोगे तो 140 रुपीज. एंड यहाँ बारिश स्टार्ट हो गया है तो मेरे को जल्दी खा के निकलना पड़ेगा.
मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मेरा यार खा रहा है बारिश की जाए। ओ वाओ, दिस पराठा इज़ वेरी नाइस, फ्लेकी एंड सॉफ्ट। वाओ, तेल भी थोड़ा कम ही है। मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस, बिकॉज़ आई हैव हर्ड अ लॉट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका प्रेपरेशन देख के मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। इट्स सो मसालेदार, वर्थ ट्राइंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्टेस्ट फूड आई हैड रांची में, खाना इज फैबुलस। अच्छा हुआ मैं वापस रांची आ गई, अदरवाइज मैं ये सब मिस कर देती। अमीनिया का अगर आप लोगों ने चिकन चाप खाया होगा, जो प्याज भूंज के फिर उसका मसाला बनता है, तो क्या होता है उसमें एक जला प्याज का मीठा और जला टेस्ट आता है। अमीनिया का मटन चाप और चिकन चाप खाया होगा, एग्जैक्टली वैसा खाने में। चिकन तोड़ने का कोशिश करती हूँ मैं। आउच। अच्छा, तंदूरी चिकन बना के फिर उसका ग्रेवी में डाला हुआ है। बहुत गर्म है। कैसा लगा? वन ऑफ द बेस्टेस्ट, यू नो वर्थ द वेट। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। इट्स पाइपिंग हॉट, सो इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू यू नो ब्रेक द चिकन आउट। लेट मी जस्ट ट्राई टू ब्रेक द चिकन। खाना तो वैसे लेग पीस उठा के था, बट ठीक है ऐसे ही तोड़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि ठंडा हो जाए। ओए ओए ओए, वाओ वेरी नाइस। वेरी सॉफ्ट। कभी आओ ना, ये ज़रूर खाना। ये वही यू टर्न जो है ना, उसी जगह पर है। हमने यहाँ पे वो चिकन पराठा खा लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू एम्बा, जहाँ पर हम वहाँ पर कुछ यू नो लोकल ट्रेडिशनल झारखंडी फूड खाने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दैट, सो लेट्स जस्ट गो। आदिवासी खान पान। ये रहा, वाओ ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा। सो वी हैव रीच्ड दिस प्लेस आज़ाम एम्बा, विल गेट द ट्राइबल फूड अप हियर, विच आई रियली वांटेड टू ट्राई। एक स्टेट आए और उधर का ट्राइबल फूड नहीं खाया तो कैसे हो सकता है। तो लेट्स जस्ट ट्राई, आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओपन अप योर शूज एंड देन गेट इन। Azam Emba, a very quaint and traditional restaurant which has been initiated by Aruna Tirke, and her aim is to revive the Adivasi cuisine, which is definitely an indigenous part of Jharkhand culture. Now, Ranchi mein aisa kuch unique milna was a blessing for me. Thanks to my reading habit, and most importantly, a very big thanks to this famous blog website, Outlook Traveler. Now, जब भी मैं किसी स्टेट में जाती हूँ, I always try to read some blogs and websites and articles to know more about that place, that city, that state. And I'm sharing the link of the same website in the description. If time permits you 5 minutes, then definitely give this blog a read, which was very well written by Karan Kaushik. Now coming to Azam Emba, the ambience was very cozy and ethnic for me. Beautifully crafted walls will surely make you feel like local and indigenous. The menu was very limited, and what excited me more was that everything listed was new to my eyes and ears and going to be exciting to my taste buds as well. So let's eat. यहाँ पर देखिए आपको ये सारे सूखे साग हैं जो इधर ऑलरेडी बोर्ड में मेंशन किया हुआ है, जंगली साग। तो ये सारे आपको साग का ना यहाँ पे सूखा मिल जाएगा आपको, एंड इधर आपको देसी अचार भी मिल जाएगा।
दिस इज मोदुआ मोमो. ना आप देख सकते हैं इसका कलर इज़ वेरी प्रिटी. दिस इज़ बेसिकली मेड विद मोदुआ आटा. ना मोदुआ इज़ रागी. सो यहाँ पर इनका कुछ ट्रेडिशनल चटनी है. ना दिस इज समथिंग वेरी न्यू आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एम वेरी एक्साइटेड. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बड़ा ही प्यारे तरीके से मिन्स चिकन है, धनिया पत्ता है, प्याज है. दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग. ना लेट मी जस्ट टेक इट विद द चटनी. अभी मुझे पता नहीं है चटनी किस चीज़ से बनी है, बिकॉज इस जगह पे मैं आज जब आई हूँ द ओनर ऑफ दिस प्लेस अरुणा तिर्की शी इज़ नॉट अवेलेबल. काश वो यहाँ पर होती सो दैट शी कुड हैव एक्सप्लेन मी बेटर अबाउट दिस प्लेस, द फूड, द चटनी, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बता पाती. बट इफ एवर यू आर इन रांची देन डेफिनेटली डू गिव दिस प्लेस अ विजिट एंड ईट दिस फूड. यू नो दिस रागी आटा इज लिटिल पाउडरी. इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल मोमो का डो. It's very good. And the chutney, let me just try to guess the chutney. Lehsun hai, mirchi hai, aur kya hai mereko puchna padega, but it's very nice chutney, very nice and very creamy chutney. Spicy hai, thoda khatta hai, creamy hai. One of a kind. The taste is in itself is one of a kind. Very light, very light, very nice momos. The worst part is I don't have anybody to guide me. सर ये कौन सी चटनी है दोस्तों? ये आप तो बेंग साग का चटनी. बेगन साग. बेंग बेंग साग. जो ब्राह्मी बोलते हैं ना वही है. अच्छा ब्राह्मणी पत्ता. ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी. हाँ बंगाली में उसको ब्राह्मणी पत्ता बोलते हैं. और ये? ये फुटकर. फुटकर? नहीं रोगरू नहीं. पेड़ होता है उसका टेंडर लीव्स होता है. फुटकल का पेड़ ही बोलते हैं. फुटकल का पेड़. ओके ओके. सो द नेक्स्ट स्टार्टर विच वी हैव गॉट अप हियर आर वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये दिस इज बेंग का चटनी. सो बेसिकली दिस इज ब्राह्मणी पत्ता का चटनी एंड दिस इज फुटकल की चटनी. ना फुटकल इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पेड़ होता है उसका स्टेम होता है, उस स्टेम को तोड़ के फिर इसको चटनी बनाई जाती है. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई एम गोना ट्राई. यहाँ पर वी हैव गॉट छिलका रोटी. ना पीपल ईट अ लॉट ऑफ छिलका रोटी. यहाँ पर तो मैंने ये मंगाया है राइस का छिलका रोटी. दिस लुक्स लाइक यू नो चटनी नट के साथ हम लोग जो खाए थे अप्पम. दिस लुक्स लाइक अप्पम टू मी. हाउएवर अगर आप चाहो तो यहाँ पर मोदुआ का छिलका रोटी भी ले सकते हो विच इज़ रागी का छिलका रोटी. ना हेयर वी हैव गॉट दाल पीठा. और देखिए स्टीम भी किया हुआ है इस पत्ते में. सो आप देख सकते हैं इस पत्ते का कलर स्टीम की वजह से ग्रीन से हल्का येलो हो गया है एंड इट्स क्वाइट वार्म. एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई थिंक ये मेरा झारखंड की जर्नी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा ये वाला. एंड ये मैंने दाल पीठा लिया हुआ है यहाँ पर. चिकन पीठा भी मिलता है विच इज़ पीठा के अंदर चिकन का फिलिंग रहता है. नाउ लेट्स जस्ट ट्राई द छिलका रोटी विद द चटनी. पहले ये वाला चटनी ट्राई करते हैं विच इज़ द ब्राह्मणी पत्ता चटनी. इट्स गुड. ये बैलेंस्ड अप हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टास है एंड स्पाइसीनेस है इसलिए. अदरवाइज यू नो यू हैव सीन मी ईटिंग ब्राह्मणी पत्ता इन माई वीडियोज़. आई डोंट लाइक ब्राह्मणी पत्ता बट ये अच्छा लग रहा है खाने में. ट्राई इट विद दिस चटनी. यू आर एक्चुअली गेटिंग दिस यू नो वुडी एंड अरोमा इन योर माउथ. इट्स गुड. इट्स लिटिल टैंगी बट स्पाइसी. कैरी होता ना, कैरी जो पिसा हुआ होता है उसका भी हल्का टेस्ट आ रहा है. इट्स गुड. The out of both the chutneys, I really like this one. चने की दाल दिख रही है मेरे को इसके अंदर. It's very simple, steamy. नमक भी बहुत कम है अंदर. सिर्फ चने की दाल और कुछ मसालों के साथ इसको भूंजा हुआ है एंड फिर उसका स्टफिंग अंदर डाल के इसको स्टीम किया हुआ है ऊपर राइस का फिलिंग के साथ. सो ये आ गया हमारे पास रेड राइस. क्वांटिटी इज़ ह्यूज. ये आ गया हमारे पास सुनसुला साग. देख के मुझे मेथी पालक सबका मिक्सचर लग रहा है. इसमें मिर्ची टमाटर सब से बनाया गया है. ये है हमारे पास मार झौर विच इज़ बेसिकली अ हर्ब सूप. मुझे तो दाल लग रहा है, पता ना वो दाल छिलका वाला जो दाल उरद का छिलका वाला उरद का दाल, काली उरद दाल. एंड हियर वी हैव गॉट सैलेड. ये वी हैव गॉट हांडी मटन. सो लुक्स वेरी वेरी टेंटिंग. चलिए अब थोड़ा रेड राइस लेते हैं. ये राइस थोड़ा मोटा है आप देख सकते हैं विच वी नॉर्मली ईट उससे अलग है. मेरे को साबूदाना की तरह इसका टेक्सचर लग रहा है. खोई साबूदाना और काफ़ी हार्ड भी है और जैसे नॉर्मल चावल चिपका हुआ रहता है वैसा नहीं है.
ना एक बार ये सूप पी के देखते हैं कैसा है। इसके अंदर मेरे को टमाटर दिख रहा है, प्याज दिख रहा है और कुछ पत्ते फ्लोट कर रहे हैं। लुक्स वेरी टेम्पटिंग एंड इसका टेक्सचर आप देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्रीमी है थोड़ा टेक्सचर। लेट्स ट्राई दिस। इट्स गुड, इट्स डिफरेंट। कैसे बताऊं, स्पाइसी है, एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। द एंटायर मील इज वेरी न्यूट्रिशनल, यू नो। थोड़ा मैं ना चटनी भी ले रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट द टेस्ट, बिकॉज हमेशा अभी लास्ट 3-4 दिन से हम लोग इतना चाउमीन ढुसका ये वो चटपटा खाना खा रहे हैं, अभी इतना हेल्दी और न्यूट्रिशनल मील खा रहे हैं ना, तो मेरे को मेरे टेस्ट बर्ड्स को इट विल टेक लिटिल टाइम टू यू नो एडजस्ट। आई डोंट लाइक साग बट डेफिनेटली इज वेरी हेल्दी। साग ना कड़वा नहीं है बट इट इज़ अ वेरी अनफेवरेबल अरोमा। जब आप खा रहे हो खाने के बाद में जो गले से जो आपके थ्रोट से एक अरोमा इट यू नो थ्रोज आउट इन टू योर नॉस्ट्रिल, वो वाला जो अरोमा है इट्स नॉट फेवरेबल टू मी। आई एम नॉट गोना ईट द साग। द सूप, दिस चटनी अलॉन्ग विद दिस राइस इज वेरी टेस्टी। Salad is a savior. See guys, I personally didn't like this saag. I'm damn sure that this is very healthy and nutritional. But however, taste ke hisab se bolte to I did not like. But definitely, if you come, to aap ek baar try to definitely kariyega. Jis tarah se maine kiya. Ami mutton khabo aur 5-6 baat mutton khabo. मटन काफ़ी अच्छे से कुक्ड है, मीट इज सो टेंडर, इट्स गेटिंग अपार्ट सो ब्यूटिफुली, वेरी सॉफ्ट। इट्स गुड बट दिस इज नॉट द रेवाजी पीस। बहुत लाइट है करी, चावल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। दिस मटन करी एंड राइस इज समथिंग विच आई रियली लव बिकॉज आई लव राइस। राइस इज अ सोलफुल स्टेपल फूड फॉर मी। हाउएवर इस राइस का टेक्सचर टेस्ट एकदम डिफरेंट है। We'll end our tribal Adivasi meal by eating rice tea and gondliya kheer. Gondliya kheer is basically made of gum rice. Normal hum jo kheer khate hain wo normal chawal se banta hai. Ye gum rice which is little millet in English. It's a different kind of rice which I have never eaten in my life ever till today. जैसे मैं इधर बात कर रही थी तो सुनने में आया दैट दिस इज़ द राइस विच द ट्राइबल पीपल यूज टू ईट नॉर्मली विद तरकारी एंड दाल एंड एवरीथिंग। हम लोग आजकल कमर्शियल राइस खाते हैं बट कहा जाता है दिस इज़ द फर्स्ट राइस। इट्स टेस्टिंग यू नो लाइक गोंद के जैसे टेस्ट कर रहा है, खाने में बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है, ज़्यादा मीठा नहीं है। तो चलिए राइस टी पी के देखते हैं। इट्स लाइक कॉफी है ना, इट्स टेस्टिंग लाइक कॉफी। नहीं मूढ़ी का टेस्ट भी आ रहा है, हाँ जैसे मूढ़ी चीनी का पानी, अगर अगर आप मूढ़ी में पानी और चीनी जितना हमने जॉल मूढ़ी खाई वो खार खिलाते ना, वो जो पानी को निकाल दो और उसको गर्म करके दिया हुआ ऐसा टेस्ट आ रहा है एकदम एग्जैक्टली। इट्स गुड, थोड़ा कड़वा भी है, जैसे मूढ़ी के जाली मूढ़ी जला देते हैं ना तो जो जला टेस्ट आता है वैसा आ रहा है। आई रियली लाइक द राइस टी, बहुत अच्छा, दिस इज़ वेरी गुड। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस एट अजाम इम्बा एंड इट वॉज लवली एक्सपीरियंस, आई होप आपको मज़ा आया हो। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जोना एवं सीता जल प्राप्त प्रवेश मार्ग। भैया 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 ये वाटरफॉल कहाँ से आएंगे?
अच्छा तो ये कौन सा मशरूम है? नाम नाम आप लोग के लैंग्वेज में? हम लोग तो नाम जानते हैं इसका। क्या बोलते हैं? फूल के जैसे एकदम। ये कहाँ उगता है? यहीं पर है क्या? जंगल में। जंगल में हम लोग इसको मोचू बोलते हैं। मोचू, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मशरूम जो डिफरेंट मुझे दिखा। जून जुलाई रुगड़ा। और ये जब बादल गरजता तभी इसका मशरूम का खेती होता है, ये वाला। हाँ जी, बादल गरजता है तो वो जो आप रुगड़ा बोल रही हैं ना उसको, उसको भी बोला जाता है, क्या नाम है इसका, मशरूम ही बोला जाता है उसको। लेकिन एक्चुअली में वो जमीन से उगता है, जब बादल गरजता है छोटा सा रुगड़ा होता है वो गोल गोल, और उसको झारखंडी उसको मटन बोला जाता है। मटन, हाँ मटन। ये भी मटन ही है, रुगड़ी को मटन ही बोला जाता है। इसमें प्याज का ज्यादा सेवन होता है, प्याज नहीं लगाइएगा तो इसको मटन का मतलब उसको टेस्ट नहीं है। तो आप अभी क्यों बोले वो मत लीजिए, मिलता नहीं है क्या अभी जो आप अभी लिए हैं? ये मैं बहुत महंगा है, 1000 रुपए का मैं अभी लिया हूँ। बाप रे बाप रे बाप, सो एक्सपेंसिव। ये 1200 रुपए का मशरूम है? ये क्या है, ये देहात के आदमी लोग है, और जब जंगल में बकरी वगैरह जो एनिमल वगैरह अपना जो रहता है, जिसको काव वगैरह बकरी वगैरह जो होता है उसको चराने जानता है, तब मशरूम दिखता तो लेता। और ये बहुत महंगा मिलता है। ये मैंने भी जैसे, ओ भगवान जी, सच में वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि इसके पास इर्द गिर्द स्नेक ज्यादा रहते हैं। ओ अच्छा, लिटिल स्नेक, किंग कोबरा। रियली, इस सब जंगल में? हाँ, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पर, इस सब जंगल में। ये वाला का नाम क्या बोले? रोगड़ू। ये रुगड़ा नहीं है, ये तो ये इसका छोटा वर्जन है, छोटा बच्चा। सो अब देख सकते हैं, ये मैं एक ले रही अपने एक्सपीरियंस के लिए। दो नहीं, एक और ले लो आप, वो वाला। ये फूल वाला छतरी ले लीजिए। इसका कितना देना पड़ेगा? कुछ नहीं, मेरा खरीदा हुआ आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। हम लोग जोना फॉल्स के तरफ आए हैं, तो यहाँ पर मुझे ये मशरूम, एक डिफरेंट टाइप का वो मशरूम मिला है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ये क्या है। एंड ऑल्सो अभी इन्होंने यहाँ पर एक सर है जो ये खरीद के लेके जा रहे हैं, उन्होंने मुझे, यहाँ पर एक भाई साहब है जो ये खरीद के लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे एज कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। सो एज अ टोकन ऑफ एक्सपीरियंस मैं इसको अपने साथ कोलकाता लेके जाने वाली हूँ। मोचू। पूरी डिटेल अगर जाननी है अबाउट जोना फॉल्स एंड एवरीथिंग, बिट्टू भैया के चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा चिल आउट करने आई हूँ, मेरे को मशरूम का बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया यहाँ पर, तो ये बड़ा अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। 1200 रुपये का मशरूम, विच इज़ लाइक गुड मोचू। तो फिर अभी वाटरफॉल का आवाज़ कितना अच्छा आ रहा है ना, और इधर बहुत ठंडा लग रहा है, इतना सुंदर। आई विल शो यू। ये तो सही है यार, वहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। वाह, बारिश हो रहा है। वाह, दिस व्यू इज सो गुड। वाह, लुक एट द वाटर, लुक सो गुड। So now we are just heading back to Kolkata and I am effing tired. You can see because my head is spinning. खोल के मैंने ये tie करके रखा हुआ है। So जब दीदी ब्लॉक करती है तभी गाड़ी आती है। Just look at this. What is the condition? Is the look at this? क्या condition है इसका? भगवान जी। So हम लोग अभी यहाँ रुके हैं चाय और थोड़ा पकौड़ी खाने के लिए। मैं हो सकता है थोड़ा चाउमीन भी खा लूँ। तो अभी जो इस रोड में मैं खड़ी हुई है, चास रोड, एंड यहाँ पर ही विलेज है विच इज सिंदरी। तो मेन रोड पे है, तो ये हो रहा है आपका, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? जोना फॉल से कोलकाता। जब आप जाओगे तब ये पड़ेगा, तो चलो कुछ खा पी लेते बिकॉज पुरुलिया रोड के बाद।
अच्छा पुरुलिया पूरा रोड है क्या? पूरा पुरुलिया रोड है, तो लेट्स जस्ट ईट एंड ड्रिंक समथिंग नाउ. यहाँ पर प्राची इज हैविंग चाय एंड शी इज हैविंग सम पकौड़ा प्याजी एंड मैं तो यहाँ पर लीकर चाय पी रही हूँ. यहाँ पर और भी फ्राई हो रहा है. एंड तुम क्या खा रहे हैं? गोजा और चाय. तुम चाय और आलू चॉप. ओह लेमन टी. चार मोर इतना अच्छा मिला है, सब कुछ मिलता है. हाँ एक ही खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे नहीं. बहुत दूर जाना है ना अभी, और 7-8 घंटा ट्रैवल गाड़ी चलाना पड़ेगा. सो ये जो मैं खा रही हूँ दिस इज पुरुलिया का भावरा भाजा, जो यहाँ पर अंकल लोगों ने मेरे को बोला कि खाओ खाओ बहुत अच्छा है, तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ. ये बेसन है, गर्मी से अच्छा लगे. अच्छा और ये चाय के साथ बहुत खाते हैं, तो बेसन का है. तो चलिए जलेबी शेप में चलिए इसको खा के देखते हैं. बहुत हल्का है, बेसन का पकौड़े से बहुत हैवी होता है ना. पुरुलिया के नाम है भावरा भावराई, कुछ कुछ नाम है. देखिए गरम है, ये भी लगते हैं पतला पतला. ओ ये मिर्ची के साथ खाते हैं, और एक दे दीजिए. ओ इसको मिर्ची के साथ खाया जाता है, ये फ्राइड मिर्ची इसमें रख दीजिए. हाँ थैंक यू. मिर्ची देते हैं, नींबू. वाहो बेस्ट बेस्ट बेस्ट. दिक्कत नहीं होगी, हल्का है. बेसन का पकौड़ी तो हैवी होता है ना, ये बहुत लाइट है. बस अंडा चिकन चाउमीन, आप देख सकते हैं इसका प्रेपरेशन तो बहुत ही डिलीशियस था. इसके ऊपर चिली चिकन है, मिर्ची है, बीटरूट है, काफ़ी सारी सब्जी है, धनिया पत्ता ऊपर से डाला हुआ है, प्याज है. लोकल में खाने का यही मज़ा आता है. और आप नूडल्स देख रहे हैं, थोड़ा मोटा मोटा नूडल्स है. और इसमें जो ये चिकन डाला हुआ है ना, इट्स नॉट द फ्राइड चिकन, ये चिली चिकन का पीसेस डाला हुआ, विच इज़ लाइक फैब्यूलस. Very, 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 very flavorful. One of the bestest street style chow mein I'm having. And in fact, मैं बोलूँगी ये झारखंड साइड में ना नूडल्स बड़े चटपटे बनते हैं, बिकॉज इसमें ये लोग ना नूडल मसाला डालते हैं और बड़े प्यार से फ्लेवरफुल बनाते हैं. देखो हर एक चाउ मीन के स्ट्रिप्स में ना मसाले का आपको बहुत अच्छा कोटिंग दिखेगा, एक भी नूडल्स ब्लैंड नहीं है. वेरी वेरी नाइस. और ऊपर में ये चिली चिकन का चिकन दिया तो ये और टेस्ट को बढ़ा दे रहा है.